चाहिए। दवाई देने का हर तरफ से कहना माने, क्योंकि उनकी पत्मा पंचारी में ही दुनिया और आखिर आखिरत की भलाई और अल्लाह की रजा पोशीदा है। आज हमारे समाज और माशरे में बहुत सी बुराइयाँ जड़ पकड़ रही है। उन्हीं में से एक बुराई माँ बाप से बेरहमी और बदसलूकी है, जो नई नस्ल के लिए कयामत से पहले कयामती सुगरा का एहसास दिलाने वाली है। इन्हीं सब बातों को उजागर करने के लिए कई शेक्सपियर का ड्रामा वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी जाना हो गया। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. अरे आरिफ भाई कहाँ गए थे, बहुत दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई, कौन से गांव में छुप गए थे, सब खैरियत तो है? अरे भाई वैसे तो कुल मिलाकर सब खैर है, लेकिन घर में जो बड़ी भी है ना उनसे बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या बात हो गई बड़ी भी से, कौन सा नया मसला खड़ा कर दिया? अच्छा तो मियाँ ऐसा लगता है कि आपकी वालिदा की तबीयत खराब है। वैसे तो कोई खास बात नहीं, ये तो उनका रोज का मामला है, आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी खांसी तो कभी बुखार तो कभी नजला तो कभी सर में दर्द वगैरह वगैरह। थक गया हूँ मैं रोज अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते, एक तो महंगाई खत्म होने का नाम नहीं लेती और ऊपर से डॉक्टरों की आसमान छुपी थी नदी गुजर गई, इनकी हिम्मत करते करते और इनके खर्चे उठाते उठाते बंदा अपनी मर्जी से आ जा सकता है ना सकता है, जान का आजाद बन गए, अजीब मुसीबत है, जाने कब जान छूटेगी इनसे। अरे भाई वो आपकी वालिदा है, वो आपकी अम्मी है और उनके बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत करने पर तो दोनों जगह की कामयाबी मुनाजिर है। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए उनकी खिदमत से जी नहीं चुराना चाहिए। अरे मियाँ हमारे ऊपर उनकी इस कदर एहसानात है जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। अरे भाई किस चीज की उनका एहसानात, पौने दो साल से परेशान हूँ, रात को चैन से सोता हूँ, नदी घोषित है कभी ये करो कभी वो करो कभी आओ कभी वहाँ जाओ, भाई इस कदर परेशान हूँ इस कदर परेशान हूँ कि अगर तुम मेरा जगह होते तो कसम घर छोड़ कर चले जाते। परेशान है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा था, माफ करना बर्दाश्त ना सब बातों दरमियान मैं आ गई होगा, लेकिन मियां आपके गुफ्तगु से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है। आपको क्या तकलीफ हो गई, बोलिए अभी। अरे मियां आपकी गुफ्तगु से लगता है कि माँ बाप आपके लिए बोझ है, हालांकि तो माँ बाप का मकाम और मर्तबा रखा है कि जिनकी शान में कुरान ये इरशाद फरमाता है, वकदा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदका الكبر أهلهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اور تیرے رب حکم کر دیا وجود اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بھی بڑھاپے پہ پہنچاوے تو اس کو حکم مت کرنا نہ ان کو بھڑکنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا بھائی میاں سمجھ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے किसी भी हालत में माँ बाप को उठ करने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ बात तो समझ में आ गई, लेकिन भाई मैं तो अपनी माँ की इतनी खिदमत की है हमारे ऊपर कोई और बाकी नहीं है। ये मुँह और मसूर की दाल
जरा सोच कर बोलो तुम कहते हो अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे मियाँ सारी जिंदगी और जिंदगी का एक एक लम्हा भी खिदमत करने में लगा लोगे तब भी हक तो बहुत दूर की बात है, उसकी भूख अदा नहीं कर सकते। अच्छा तो जरा सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आकर अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी और कमजोर थी, मैं उनकी खिदमत करता था। एक बार उनके दिल में हज्ज बैतुल्लाह का शौक पैदा हुआ, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि चल नहीं सकती, इसलिए मैंने अपनी वालिदा को टोकरे में बिठा कर पूरा हज कराया। जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि मुझे हाजत पेश आ रही है, और बस इतना ही कह पाई थी कि गलालत और नजासत टोकरे से निकल कर मेरे मुंह और बदन पर फैल गई। मैंने ज्यादा बराबर भी उसे बुरा नहीं समझा, मैंने अपनी वालिदा को पाको साफ किया, फिर अपने आप को, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? जल्दी बताइए, क्या जवाब दिया? नहीं, अभी तुमने माँ का कुछ भी अदा नहीं किया। यार मियाँ, आपने अपनी वालिदा की पौने दो साल खिदमत की है, मान जाता रहे हो? अल्लाह से डरो, माँ बाप की खिदमत करो, मरते दम तक इनकी खिदमत को अपनी आदत जानो। अल्लाह से दुआ करो के जिस तरह बचपन ने उन्होंने मुझ पर मेहरबानी फरमाई, उसी तरह तू भाई जी ने उन पर मेहरबानी फरमा। बस कीजिए भाई बस, बाकी आपने मेरे आके बोल दी, मैं तो अपनी वालिदा के मकाम और उनके मर्तबे से बिल्कुल नाचना था। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, दोनों जहां में आपको कामयाबी से अनगिनत फरमाए। अरे भाई, अब तो आपके समझ में आ गया ना कि माँ का क्या मकाम और मर्तबा है, और हम क्या सलूक उनके साथ करते हैं। कितने ही नादान आज ऐसे हैं जो बात करकर अपनी माँ को गालियाँ देते हैं, कितने ही बदनसीब ऐसे हैं जो अपनी माँ पर हाथ उठाते हैं। जरा ये लोग सोचे कि अगर वालिदैन नाराज हो तो बड़ी से बड़ी इबादत पे अल्लाह के नजदीक बेकार है। आपने बिल्कुल सच फरमाया, ये हकीकत है कि वालिदैन की रजामंदी में अल्लाह की रजाई है। ये बातें आप हजरात ने गौर से सुनी, यह सबके लिए है।